मैं मिट्टी ढोने नहीं गई थी दीदी, मैं अपने एनजीओ में थी। तुम्हारे कपड़े देखकर तो ऐसा ही लग रहा। मैडम को अटेंड करो इमीडिएटली। जस्ट हम चिड़ियाघर जा रहे हैं क्या? मैं अकेली भी जा सकती हूँ। जा नहीं रहे हैं स्वीट हार्ट, तुम वहां से आ रही हो। ऑल गुड, तो लेकर जाओ, तैयार करो इन्हें। मैं ये ड्रेस तो नहीं पहनूंगी एटलीस्ट। आज का इवेंट हमारे ज्वेलरी स्टोर की नई ब्रांच लॉन्च करने के लिए है। तुम आज के इवेंट के बारे में पहले से जानती थी ना, उसके बावजूद तुम लेट आई, और वो भी इस हालत में। डोंट टेस्ट माय पेशेंस रोशनी, प्लीज। ओके प्लीज, यहां कोई बिगुल नहीं बजने वाले। 15 मिनट में तैयार होकर ये बाहर निकलनी चाहिए। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शो बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें। छोड़ो, बहरे हो क्या? आओ आओ आओ, क्या कर रही हो तुम भाग्यश्री? जिस हीरो ने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान बचाई, उसकी जान पर जानलेवा हमला करते हुए शर्म नहीं आई तुमको? दुनिया वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? हाँ, यही कहेंगे ना कि कितनी दिलेर लड़की है, अपने पीछा करते हुए मवाली से अकेले लड़ रही है। मवाली? What do you mean मवाली? तुम्हारी मम्मी ने तुमको सिखाया नहीं कि मदद करने वाले को थैंक यू बोलते हैं, मवाली नहीं? Oh God, मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा कहाँ से आ गई बीच में? मुझे क्या पता कहाँ आई कहाँ गई। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प पर हेल्प कर रहा हूँ और तुम मुझे help? Really? किसी भी की कार में बिना परमिशन के कौन बैठ जाता है? अरे तुम्हारा जन्मदिन था, तुम्हारा मुंह लटका हुआ था, मैंने सोचा मुंह पे मुस्कान आएगी। और सिर्फ पार्किंग लॉट में? एक सेकंड में तुम्हें 4 दफा हिचकी आ रही थी। वही तो प्रॉब्लम है भाग्यश्री, तुम्हें चीजें याद नहीं रहती। एक्सक्यूज मी, हू इज दिस भाग्यश्री? मेरा तो नाम नहीं है। तुम भाग्यश्री नहीं हो? अरे मुझे तो इतने दिनों से लग रहा था तुम्हारा नाम भाग्यश्री है। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा कोई तो नाम रखा होगा, वही नाम बता दो भाग्यश्री। Very smart. शुक्रिया, बचपन से। तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? एक तो अच्छा खासा जा रही थी, स्लिप हो गई और मेरा फोन। मेरा फोन कहाँ है? फोन दो मेरा। इतनी भी क्या जल्दी है? जरा देख तो लूँ तुमने किसकी फोटो लगा रखी है। मेरी मर्जी, मेरा फोन है, किसी की भी फोटो लगाओ, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? Give my phone back. अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की फोटो नहीं दिखानी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे मिलने के लिए आएगा ना, तो मैं उससे मिल लूंगा। ओके डन। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क्या सच? देखो हौसला मत हारना, ये मेरा दावा है कि एक ना एक दिन ऊपर वाला जरूर तुम्हें बॉयफ्रेंड देगा। यूज़लेस। अरे अरे भाग्यश्री मेरी बात तो सुनो। भाग्यश्री भाग्यश्री मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन। आओ आओ, I should have guessed. तुम जैसा ही कोई हो सकता है। अरे मैं कितना खुश हूँ आपसे मिलके, मैं आपको बता नहीं सकता। कमाल है आप। कैसी हैं आप? मतलब सब कुछ ठीक है ना? घर में बाल बच्चे वगैरह सब सही है ना आपके? अरे आपको प्योर पश्मीना का शॉल कैसा है? अब तो काफी बड़ा हो गया होगा, जब मिला था तो इतना सा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अंदर आने किसने दिया? क्या कर रहे हो? नहीं, क्या करने आए हो? मैं वही करने आया हूँ जो आप करने आई हैं। आप यहाँ मुफ्त का टॉयलेट यूज करने आई हैं? वैसे एक बात तो है, एयर कंडीशन टॉयलेट में ना करने का मजा ही कुछ और होता है बॉस। अच्छा सुनिए तो सही ना, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन अगर आई हैं तो इतना बंठन के आने की क्या जरूरत थी? मुझे देखिए ऐसे ही चली आती। अच्छा सुनिए तो सही,
आपने अंदर आने के लिए गार्ड को पैसे वैसे तो नहीं खिलाए ना? क्योंकि खिलाने की जरूरत नहीं है, ये फैसिलिटी मेरे और मेरे सभी दोस्तों के लिए एकदम फ्री है। मेरा फुल जुगाड़ है यहाँ पे, फुल सॉलिड सेटिंग है मेरी। अगर आपको अगली बार भी आना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मुफ्त में 5 स्टार के फुल मजे कराऊंगा मैं। हर किसी को जानता हूँ मैं यहाँ पे, एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। ओह गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखा मैंने कहा था मैं सबको जानता हूँ यहाँ पे, सर बुलाता है मुझको। तो कुछ नहीं, नुकसान हो गया आपका, क्रीम गिर गई आपकी। आप एक काम कीजिए, मुझे अपना बैग दीजिए, मैं आपका बैग बाथरूम में लेके जाता हूँ, और बाथरूम में जो कुछ भी है ना बैग में भर के लेके आता हूँ। मॉइस्चराइजर, क्रीम, पाउडर, टिश्यू, सैनिटाइजर, जो कुछ भी है सब लेके आता हूँ। लेकिन शैम्पू मैं रखूंगा आंटी जी, 15 दिन से मैंने शैम्पू नहीं किया, मेरे घर में शैम्पू नहीं है, पता है? तुम यहाँ चोरी करने आए हो? आए हाय, तुम यहाँ चोरी करने आए हो? आप बड़ा भजन करने आई हैं यहाँ पे? आंटी जी आप भी तो क्रीम चुराने आई हैं यहाँ बाथरूम से? व्हाट रबिश। आंटी जी आप भी तो क्रीम चुराने आई हैं यहाँ बाथरूम से? व्हाट रबिश। आंटी जी, आंटी जी मेरी बात तो सुनिए। हेलो आंटी जी, अरे फेंक क्यों दी, क्रीम बची थी उसमें। क्या दिन है सेठ, एक तरफ ये खूंसट बुड्ढी और दूसरी तरफ वो प्यारी गुड्डी। आप फंस गए क्या? अब भाई मैं अपने मुंह से कहूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सेठ। यस मॉम। सर अपने डैड को बताना, क्या शादी करने से इंसान फंस जाता है? तेरी वे खोते दे पुत्र, क्या बकवास कर रहा है? इस युग में, इस नए वक्त में आपकी ये सोच है? डैड दिस इज वेरी सैड। वाह 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 वाह, क्या बात है, बिल्कुल सही कहा तूने, शादी सबको करनी चाहिए। अरे भाई तेरे डैडी ने की थी तो तुझे भी तो करनी चाहिए, है ना? और जब तू नाचेगा तो तुझे देखकर ना तेरे डैडी नाचेंगे। ए, एक, 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 एक मिनट, ये मेरी शादी की बात कहाँ से आ गई? अच्छा तुम्हें तो कहा था ना सुबह कि मुझे माँ जैसी सुंदर, सुशील, गुणवंती लड़की चाहिए शादी के लिए। बोल रहा था मॉम, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं रातों रात शादी कर लूंगा। सेठ तुम विदेश से वापस आ गए हो, डैड का बिजनेस संभाल लिया है, अब और क्या चाहिए? छा गए आप, देश पांडे जी की लड़की के लिए डायमंड मिला। बोलो बबलू कुछ बोलो, डैडी कुछ पूछ रही है आपसे। मैंने कब कहा था तुम्हें डायमंड के लिए, मैं इवेंट में बिजी था, कम से कम तुम तो कुछ करो यार। व्हाट रबिश, तुम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं किया। बट डैडी स्टॉप इट, तुम्हें रुकने के लिए किसने कहा है? मुझे पता है वो डायमंड कहाँ मिलेगा। कफूर को फोन लगाओ। लगा? हाँ, I know. फोन मुझे दो। हेलो डीडी बोल रही हूँ। क्या बात है, रात को तो चांद निकलने वाला था, ये कमबख्त आफताब रास्ता कहां से भटक गया? हीरो की इतनी बड़ी जोरी। डी डी मैडम कपूर से बात करना चाहती। बकवास बंद हो गई हो तो आगे काम की बात करें। मुझे एक हीरा चाहिए, कीमत जो तुम चाहो। मगर मतलब पांडे की लड़की के लिए ना? हाँ देख लो ऐसा हीरा है अपन के पास। वो क्या है ना डी डी, हम अपने चाहने वालों की पूरी खबर रखते हैं, मगर मगर क्या? मगर ये, अगर गफूर को औरतों के साथ ही धंधा करना होता तो वो अपनी बीवी को भी दुकान पे बिठा देता। अगर औरतें सिर्फ और सिर्फ घर में ही अच्छी लगती हैं अपने शौहर के पैर दबाते हुए, अब तुम्हारे घर में कोई काबिल मर्द हो तो उससे बोलो कि वो मुझसे बात करे। अच्छा चलता हूं, वो क्या है ना कि बीबी मेरी बेचैन हो रही है पैर दबाने के लिए। जाते जाते एक मुफ्त की सलाह दे रहा हूं डीडी, वो क्या है ना कि मर्दों के धंधे में औरतों का पल्लू अच्छा नहीं लगता। डीडी के आशीर्वाद से क्या कहा गफूर जी?
उसने जो भी कहा वो जानता नहीं वो किससे बात कर रहा था। उस कफूर के हलक में हाथ डालकर वो हीरा निकालूंगी, फिर जाके बेशक अपने बीवी के पल्लू में सो जाए। टांगों में दर्द हो रहा है क्या? सीधे तरीके से नहीं खड़े रह सकते रेशम? जाओ पेंटिंग शुरू करा। ओके। पीजे मां, उड़ाई अपने फिजूल के पूजा पाठ पर। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी मेहनत की कमाई से मैं पूजा पाठ नहीं करती, इसे तू अपना जी मत जला, समझी दुर्गा? It's a complete. Wow. अब पीछे जाकर खड़ी हो जा। It's a unfair. 1,000 कट चुका है। दीदी, it's a नाइंसाफी। 2,000 कट चुके हैं। दीदी। दीदी के आशीर्वाद से रेशम पीछे आकर पूरे पैसे कटवा के आएगी। दीदी, मुझे इस बार कुछ ज्यादा पैसे चाहिए, कुछ पेमेंट्स करने। डीडी जी, आखिर आपके शौक ने हमारे कारखाने तक आपको ले ही आया। सिर्फ साफ कुर्सी पर बैठने से कोई भी औरत मर्द की बराबरी नहीं कर सकती डीडी। कीमत आपकी, लेकिन डायमंड हमारा। गफूर सिर्फ और सिर्फ मर्दों के साथ ही धंधा करता है डीडी, औरतों के साथ ऐसे धंधे नहीं होते। और ये तुम्हारा चेक है ना, इसका मेरे ऊपर कोई भी दोष नहीं चलेगा, उठा इसे। ये प्रॉब्लम क्या है? जो डायमंड की ज्वेलरी तुम बनाते हो वो औरतों के पहनने के लिए ही बनाते हो ना, तो कायदे से देखा जाए तो तुम औरतों के लिए ही काम करते हो, तो फिर मुझसे इतना चिढ़ते क्यों? क्योंकि एक औरत होकर मैंने अपनी मेहनत से आधी से ज्यादा मार्केट पर कब्जा कर लिया। घंटा आधे मार्केट पर कब्जा है तुम्हारा, हर जगह का हीरा कपूर मियां के पास है, वो लीगल हो या इलीगल, एक टका टैक्स नहीं देता हूँ ना ही एक टका ड्यूटी देता हूँ, पूरे कस्टम को घुमा कर रखा है। और ऐसे काम के लिए मर्द का जिगरा होना चाहिए, जो कि तुम औरतों में ना है और ना होगा। हकीकत तो ये है डीडी, घर में रोटी हम मर्द लेकर आते हैं, तुम औरत उसे सिर्फ और सिर्फ पकाना जानती हो बस। ले लो अपना चेक और निकलो यहां से। बड़ी आई औरत कहीं की। हाँ दुपट्टे मियाँ, तुम बड़े नॉटी किस्म के हो यार, अकेले घूम रहे हो, कौन है जिसने तुमको लावारिस कर दिया? अच्छा वैसे आज
गाड़ी वाली की गाड़ी कहाँ चलेगी? नहीं है, कहीं छोड़ दूं? नो थैंक यू। भाग्यश्री मेरी बात सुनो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है लाइफ में? मेरी मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ट्रैफिक मुंबई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यूं ही हो जाता है, किसी वजह की जरूरत नहीं होती, और यूं ही ट्रैफिक में भी बहुत कुछ हो जाता। हेलो, हाँ जी वकील साहब, हाँ हाँ मैं पैसे लेके पहुंच रही हूँ। आपको पता है मैं ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ, मैं बस पहुंच रही हूँ। देखिए आप कैसे भी करके उसे रोके रखिए, मैं आ रही हूँ। या ओके, जहाँ ऑटो नहीं जा सकता, टैक्सी नहीं जा सकती, वहाँ मेरी छोटी सी साइकिल चली जाती है। इसीलिए कहता हूँ अपनी तकलीफों से नाता तोड़ो, मेरी साइकिल से नाता जोड़ो। वास्ते आई थी अपन के कारखाने पे हैं? ये बिड़ी तो बहुत गलत कर रही है। अगर मर्द का कलेजा होता ना तो सामने से वार करती, सामने से, समझी? नहीं नहीं गफूर साहब, मैं तो औरत ही हूं, इसीलिए प्यार से बात करने में यकीन रखती हूँ। लेकिन क्या करूं, आपको वो भाषा समझ में ही नहीं आती। ओके सर जी, वो सीडी तुमने इनकम टैक्स और कस्टम डिपार्टमेंट को भेज दी ना? अब तक तो देख ली होगी टीडी के आशीर्वाद से। देख भी ली? अरे हमसे पूछ ही लेते, गफूर साहब का क्या होगा, धंधा चौपट हो जाएगा, बेचारे सड़क पर आ जाएंगे। और हाँ, उनकी बीवी जिस पर ये रोब जमा कर उससे पैर दबवाते हैं, इज्जत खराब हो जाएगी उसके सामने। ये हीरा आप मुझे देंगे बिना किसी कीमत के, नहीं तो कीमत बहुत महंगी पड़ेगी। चलिए, आपके साथ बिजनेस करके बहुत अच्छा लगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम कैसे चला रहे हो, मुझे गिरा दोगे क्या? पहली बार साइकिल चला रहे हो? नहीं नहीं, कई बार चला चुका हूँ, ये तो मैं हाथ छोड़ के भी चला सकता हूँ। तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो क्या? डर क्यों रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा भाग्यश्री, आई प्रॉमिस। ये भाग्यश्री क्या तुम्हारी बहन लगती है जो तुम बात बात में उसे याद करते रहते हो? नहीं, गर्लफ्रेंड लगती है, लेकिन अपना असली नाम नहीं बताती। तुम कितनी बातें करते हो, मतलब मैंने अपनी लाइफ में आज तक ऐसा लड़का नहीं देखा है जो इतना बोलता है। तुम साइकिल चलाने पे कॉन्सेंट्रेट करो ना। करना चाहता हूँ भाग्यश्री, करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ? पहले तुम्हारा दुपट्टा मेरे चेहरे पर चलाया, उसके बाद तुम मेरी साइकिल पर चली आई, और अब देखो ना, अनजाने में तुम्हारा हाथ मेरी कमर पर चलाया। स्टॉप 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 स्टॉप, कोर्ट यहां से पास ही है, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। क्या कहा? थैंक यू। इतनी बार मिलने के बाद तुम्हारे मुंह से थैंक यू तो निकला। मैं देखती हूँ सिद्धार्थ को। रुको रुको सिमरन,
करने दो उसे वो जो कर रहा है। हमारे बेटे को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। हमें तो खुश होना चाहिए। We didn't fail as parents. I'm proud of him. तो क्या उसकी क्राइसिस में आप उसको गाइड भी नहीं करेंगे? अरे क्यों नहीं करेंगे भाई, जरूर करेंगे। फोन मिलाइए मैनेजर साहब, आई वांट टू रिजॉल्व दिस इशू वंस एंड फॉर ऑल। लंबा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग सर। डैड ला मुझे दो। डैड ये क्या कर रहे हैं? डैड लो सतीश। डैड तुम्हारी छुट्टी। डैड डैड क्या कर रहे हैं? डैड अब आई नीड दैट फाइल। आई सेड गो। अरे सतीश, अरे वो फाइल देते। डैड मुझे वो। ओ पुत्र जी, दुनिया में कोई भी काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि बेटा बाप के लिए दो मिनट ना निकाल सके और बाप बेटे के लिए दो मिनट ना निकाल सके। दो मिनट बिल्कुल करे। मॉम मॉम जाओ बाबा। डैड चलो मेरे साथ। डैड मेरी बात सुनिए। डैड आई नीड टू। अरे मॉम मॉम मत करो, आओ प्लीज, मजा आएगा। सही किया ला सूर्य दीदी, अभी सोचता है रईस दादा कि किससे पंगा लिया ला है। मैंने कहा था ना, इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं। अब तुम लोग देखते कैसे हमारे ये स्टे ऑर्डर उसके होटल की बैंड बजाते हैं। व्हाट स्मार्ट बन रहा था ना ये खुराना, अब देखना कैसे हमारे आगे हाथ फैलाएगा और लाइन पे आएगा। भैया इनको और ये यहां पर भी, ये मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। ऐसा तो कभी ये लगता नहीं। आज इतना सैड सैड क्यों लग रहा है? हर बार मेरा मूड बदलने वाले का आज खुद मूड खराब है। नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा इसका मूड ठीक करने के लिए। Stop it! क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या बदतमीजी है? Stop it! I said stop it! What the hell? क्या बदतमीजी है? Stop it! I said stop it! वैसे तो बड़ा ज्ञान देते रहते हो, हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, खाते पीते रहो। आज ज्ञान है नहीं बांटने के लिए मेरे पास। ओहो, मतलब सीरियस प्रॉब्लम है। वैसे तुमने एक बात सोची है, अगर तुम्हारी जगह मैं प्रॉब्लम में होती तो तुम क्या करते? बोलो, मेरे साथ आओ। अरे आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। पकड़ो। अब अपनी मुट्ठी बंद करो। यस। देखा मिस्टर बबली, तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम अपनी प्रॉब्लम्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो जबकि वो हाथ से स्लिप होकर गिर जाती है। तो वही मेरा पॉइंट है कि मत होल्ड करो उसे, उसे जाने दो। और वैसे भी तुम्हारे हाथ में वो आने वाली है नहीं, सो चिल, सो टेक इट इजी। अब अपनी मुट्ठी खोलो। सी, नो रेत नो प्रॉब्लम। हिम्मत कैसे की तुमने गाड़ी बेचने की, और वो भी 7 लाख में? रोशनी 30 लाख की गाड़ी 7 लाख में बेचकर आई हो तुम। दीदी चिल्लाने से क्या होगा, गाड़ी तो बेच दी ना। शर्म नाम की चीज है या नहीं?
रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हो या उतनी अकल भी बेचकर आ गई हो? दीदी, इसमें इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो आपसे पैसे मांगे थे ना, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए। मुझे अपने एनजीओ को बचाना था, अपने बच्चों की छत को बचाना था। अब ऐसे में आपकी गाड़ी की छत काम आ गई तो यू शुड बी प्राउड ऑफ मी ना। बेटा, सब कुछ है तुम्हारे पास डीडी के आशीर्वाद से, फिर भी तुम सर। इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। मैं सबके लिए जितना भी करूं कम ही पड़ता है। तुम्हारा और कोई इलाज नहीं। क्या कर रही है? हाँ, रोशनी अब बड़ी हो गई है। माँ, अगर ये बड़ी हो गई है तो इसे बड़ों की तरह रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। मेरे पास तुम्हारी बेवकूफियों के लिए ना ही टाइम है, ना ही पैसे और ना ही पेशेंस। बदतमीज लड़की। और जब तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं लगती ना रोशनी, तब तक तुम इसी कैद में बंद रहोगी, समझी? नो नो दीदी, दरवाजा खोल। आप मुझे इस जेल में कैदी की तरह नहीं रख सकती है। दुर्गा, तू कभी कभी भूल जाती है कि रोशनी तेरी बेटी है। खबरदार, अगर किसी ने दरवाजा खोला, am I clear? इन माँ बेटी की दूरियों को मिटाने वाला कहाँ छिपा बैठा है? प्लीज भगवान, उसे जल्दी से हमारी जिंदगी में भेज दीजिए। देर मत कीजिए, नहीं देख सकती मैं अपनी नातिन को इस हालत में। रोशनी, इत्तेफाक है, बहुत खूबसूरत इत्तेफाक है। डैड सही कहते हैं, बीच पे अक्सर लोगों की जिंदगी बदल जाती है, जैसे मेरी बदल गई। थैंक्स रोशनी। मैं कम इन सर। कम इन मैनेजर साहब, कैसे हैं आप? सर अच्छा हूँ। सर, ये कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, आपके सिग्नेचर की जरूरत। और वो मैटर आप भूल जाइए। नो सीरियसली, आई विल मैनेज इट। अब आपकी जरूरत नहीं है। नो, मतलब इस मैटर में मुझे आपकी जरूरत नहीं है। एक काम कीजिए, ये जो फाइल्स हैं और पेपर्स हैं उन्हें यहाँ छोड़ दीजिए, मुझे वक्त मिलेगा मैं साइन कर दूंगा। ओके ओके सर, डोंट वरी, आई मैनेज। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें।